एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर पूरे भारत वर्ष से यहाँ अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ के यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं, किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारियों, सहायिकाओं, मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए या वर्तमान समय में इन विभाग के स्थिति को देखते हुए इस भीषण महंगाई में कम से कम अगर मानदेय स्वरूप देना है तो 18,000 से कम न दे, जिससे कि इस भीषण महंगाई में मात्र केंद्र सरकार द्वारा 3,000 रुपये दिए जाता है, जिसमें कि और अपने राज्यों में अन्य राज्यों की सरकारें अपने हिसाब से अपने फंड से अलग अलग तरीके से जो दे रही हैं, जो विषमताएं हैं आने की। जैसे अभी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में भारत सरकार का 3,000 रुपये, 3,000 भारत सरकार के और 1443 रुपये वहाँ की पश्चिम बंगाल सरकार देती है, और ऐसे मतलब उत्तराखंड में है 3,000 रुपये भारत सरकार का और 3,000 रुपये वहाँ के उत्तराखंड सरकार के आने की। जो मानदेय है, जब इनका समान पद है, समान कार्य है, तो समान मानदेय या वेतनमान पूरे देश के आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मिलना चाहिए, न कि अलग अलग तरीके से मिलना चाहिए। ये दोषपूर्ण रवैया भारत सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि वह एक समान मानदेय या तो इनको जो है पूरे देश के आंगनबाड़ियों को कम से कम जो है 18,000 रुपये मानदेय से कम न दे, इसलिए कि यह मनरेगा से 3,000 रुपये का मतलब एक मनरेगा के मजदूर से भी कम इनको मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर सन 1975 से विभाग चलाया जा रहा है, जिसमें कि आज 42 वर्ष हो गया। 42 वर्षों में अगर किसी भी पूरे भारत में अगर विभाग की स्थिति सबसे खराब है तो बाल महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग की। कारण यह है कि इसमें जो है 8 घंटे के अलावा हमारी सभी सम्मानित आंगनबाड़ी कर्मचारियों, सहायिकाओं, मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारियों से पूरे मान के चलिए कि 18 से 20 घंटा काम कराया जाता है। जैसे इनका महत्वपूर्ण कार्य है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है और जो है कि राज्य की कार्यक्रम है, उसमें जो है ये जो है BLO जनगणना, आर्थिक जनगणना, पल्स पोलियो, फाइलेरिया, राशन कार्ड सत्यापन, इंद्रधनुष कार्यक्रम, वजन दिवस, यहाँ तक कि ODF, यहाँ तक कि अब ये समझिए कि इलेक्शन में भी इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, जो कि भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि अगर ये इतना महत्वपूर्ण कार्य करती हैं तो कम से कम केंद्र सरकार को इनको कम से कम 18,000 रुपया मानदेय दे, ताकि ये भी अपनी भीषण महंगाई में अपने बाल बच्चों का पोषण वो भरण पोषण कर सके और अपना सम्मानजनक जीवन जो है मुख्यधारा में जुड़कर यापन कर सके। आपने बताया आंगनबाड़ी और ये तरह तरह की आंगनबाड़ी, तो कितने प्रकार की आंगनबाड़ियाँ हैं? आंगनबाड़ी देखिए, असल में 2 अक्टूबर सन 1975 से जब यह विभाग की जो भारत में कुपोषण मुक्त कराने के लिए, जैसे हमारे देश में कुपोषण से जो छोटे बच्चे जैसे 7 माह से 3 वर्ष के, 3 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती और धात्री महिलाओं में कुपोषण से मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होने के कारण, तो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जो है यह विभाग जो है कि 2 अक्टूबर सन 1975 को चलाया गया। इन कारण से पहले जो है सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर आने, कहीं कहीं जैसे सेविका के रूप में भी इनको कहते हैं, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका रहा करती थी। लेकिन विगत जो है हम लोग ये देख रहे हैं कि 2011 के बाद से जो है ये मिनी आंगनबाड़ी, मतलब जैसे ये 500 से 600 आबादी पर एक मिनी आंगनबाड़ी रखी गई है, जो इनको सहायिका यानी हेल्पर नहीं मिली है। यह स्वतः अपना काम करती, स्वतः रजिस्टर बनाती, स्वतः पोषाहार या जो भी खाद्यान्न है उसका वितरण करती हैं। तो ये जो है कि मिनी आंगनबाड़ी एक नया अभी आया है, जो कि इनका भी मान लीजिए सामान्य कार्यकर्तियों के बराबर ही है, बसरते रह गया कि अब इनको भी सहायिका गवर्नमेंट उपलब्ध कराए और इनको भी सामान्य कार्यकर्तियों के बराबर इनको भी मानदेय मिले। गुलाब सिंह जी, आप ये जंतर मंतर पर आए हैं, इससे पहले आपने कहीं पहले और धरने प्रदर्शन जी, क्योंकि राज्य का मैटर आता है, आपने राज्य गिना दिए बिहार, उत्तराखंड वगैरह का, यूपी वगैरह का, तो इससे पहले आपने और कहाँ कहाँ धरने प्रदर्शन कराए? अभी तो देखिए 2015 से मैं कंटिन्यू जो है भारत सरकार में यहाँ दिल्ली में धरना दिया हूँ, जिसमें हमारे उत्तराखंड की भी आंगनबाड़ी कर्मचारी रहीं, दिल्ली की भी रहीं, हरियाणा की भी रहीं और हमारे पश्चिम बंगाल से भी आई थी, बिहार से भी आई थी, लगभग 7-8 प्रांत की जो है 100, 200, 400, 500 जो भी सभी ने अपने प्रदेश का नेतृत्व किया था और यह जताने का कोशिश किया
कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा, ये ऑल इंडिया आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा है, क्योंकि इससे इसके द्वारा जब हम मांग करेंगे आपके मतलब दिल्ली केंद्र सरकार से, तो यह जो भी लाभ होगा हमारे अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा द्वारा, वो पूरे देश के सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को वो फायदा पहुँचेगा, न कि किसी अकेले एक प्रदेश को। तो इस लिहाज से हम जो है केंद्र सरकार में देते हैं, और बाकी हमारे हर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ पर भी अपना जो है प्रदेश स्तर पर भी मुख्यमंत्री को या वहाँ पर प्रमुख सचिव से जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो वहाँ का लोकल स्तरीय जो मतलब मामला है उसको भी हम लोग जो है बताते हैं और सरकार से मांग को भी पूरा कराते हैं। जैसे अभी दिल्ली में यह लोकल मामला था, क्योंकि यह मांग जब पूरी की गई है तो इसमें सिर्फ दिल्ली को, दिल्ली के आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मिला है जो 4,678 रुपये, जिसमें कि हमारे अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा ने भी 5 दिन रोड जाम किया, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस के भारद्वाज और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष और तमाम हमारी यहाँ की दिल्ली की सम्मानित आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने 5 दिन तक जो है रोड जाम करके और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी पत्रक दिया था, जिसमें कि उनके द्वारा जो है यह जो मानदेय बढ़ाया गया है। मैं मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देता हूँ कि अखिल भारती के द्वारा जो है कि इस बात को दमदारी के साथ रखा गया था। और उसमें आगामी योजना क्या रहेंगी इस धरने को लेकर आपकी? आगामी योजना हमारी ये है कि अभी हमारे देखिए धरना कल है, आज वाल्मीकि जयंती है, छुट्टी होने के कारण हमारे 2 वार्ता लगे थे मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार, जिसमें माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी और हमारे जो है कि माननीय श्री अरुण जेटली जी वित्त मंत्री से भी आज 2 हमारे लगे थे, कल के लिए हमारा प्रधानमंत्री से और माननीय हमारे विभाग की जो मंत्री है महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी जी से, क्योंकि अब कल हमारा एक साथ सभी से वार्ता होगा, क्योंकि शासन ने अभी अवगत कराया कि आज मिनिस्ट्री की छुट्टी होने के कारण हमारे सभी 4 वार्ता जो है लगभग 11-12 बजे से शुरू हो जाएगा। हम सभी 4 जगह बात करेंगे, 4 जगह अपना पत्रक देंगे और मैं पूरे भारत देश की आंगनबाड़ियों की समस्याओं को मैं पूरी दमदारी से रखूंगा, जिसमें कि सरकार का ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि यदि आप हमारी बात नहीं मानते हैं, ये आंगनबाड़ी कर्मचारियों की समस्या का निदान नहीं होता है, तो आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम पूरे देश में 24 लाख आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं, जिसमें कि हम बीएलओ का काम करते हुए हम इनको प्रभावित कर सकते हैं और यह चीज़ जता देंगे कि अगर आप हमारे उत्पीड़न शोषण और ये सब चीज़ बंद नहीं हुआ और हमें सम्मानजनक मानदेय या हमें सरकारी कर्मचारी नहीं घोषित किया गया, तो हम जो है कि इस सरकार के विपरीत हम विपरीत परिणाम देंगे, जिसकी स्वयं सरकार जिम्मेदार होगी, न कि हमारी आंगनबाड़ी कर्मचारी जिम्मेदार। गुलाब सिंह जी, आपने बताया कि हम कल 4 मंत्रियों से मिलेंगे, देखा गया है कि जो यूनियन के लीडर नेतृत्व करते हैं वो कहीं न कहीं उनका बिक जाते हैं, खोट हो जाता है, तो आप किस तरीके से इन्हें विश्वास दिलाएंगे? हम पहले तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं जो है अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं जो है मेरी न तो कोई पार्टी है न तो मेरा कोई जो है कि पार्टी में सदस्य। गुलाब सिंह जी, मैंने आपसे इसलिए कहा कि अभी आशा वर्करों का दिल्ली के अंदर हुआ तो जो दावा यूनियन थी वो सतेंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कुछ उनका हिसाब किताब हो गया, वो बिचारी वो निराश होकर वो घर लौट गई। नहीं नहीं, तो मैं तो इसी सापेक्ष में आपके मीडिया के, आप हमारे भाई हैं, हम आपके माध्यम से जो है सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी कोई मतलब पार्टी में सदस्यता नहीं है, न तो मैं किसी सरकार का समर्थन करता हूँ, न तो मैं किसी का विरोध। यदि हमारे आंगनबाड़ी कर्मचारियों के हित की बात नहीं होगी तो सरकार चाहे किसी की हो, मैं जो है विरोध करूँगा। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता है, मुझे 2-4-10 करोड़ में भी नहीं कोई खरीद सकता है। मैं आंगनबाड़ी कर्मचारियों के विश्वास को कभी आजीवन नहीं तोड़ूंगा और मेरे शरीर में अगर खून का एक एक बूंद कतरा अगर रहेगा तो मैं आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मरते दम तक न्याय दिलाकर ही दम लूंगा और चैन से तभी बैठूंगा, मैं बिक नहीं सकता हूं। धन्यवाद।